हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बताने वाला हूँ, अगले 3 से 4 महीने में इंडियन पैसेंजर का मार्केट करीब 10 नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो वो कौन से मॉडल्स हैं जिस पे आप अपने रडार पर रख सकते हैं? फर्स्ट कार इज फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा मोटर्स। बात कर रहा हूँ इंडिया की फर्स्ट हैचबैक कार, जिसके अंदर आपको ड्यूअल CNG सिलेंडर सेटअप मिलेगा, साथ में पहली CNG इक्विप कार जिसमें आपको सनरूफ की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अल्ट्रोस आई CNG के अंदर जान लीजिए टाटा मोटर्स रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, जिसमें आपको 2 छोटे सिलेंडर बूट में टकअप होंगे। कार की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी विद ऑलमोस्ट 74 PS पावर, जो सिटी यूसेज में ठीक होगी। लेकिन सर, कार की जो बूट स्पेस होगी वो भी आपके लिए यूजेबल होगी। करीब 210 लीटर की बूट स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें छोटे मीडियम मंझोले बैग्स आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये कार इसी महीने मई 2023 में लॉन्च होगी और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी फ्रॉम द प्राइस ऑफ अराउंड 7 लाख टू ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज। जो दूसरी कार है साहब, वो है मारुति सुजुकी की तरफ से, मारुति सुजुकी जिम्नी को लॉन्च करेगा। जिम्नी के अंदर खास बात ये है, सुजुकी जिम्नी जो ग्लोबल वर्जन है वो इंडिया में आ रहा है इन द 4-डोर वर्जन। और सर, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक मारुति की तरफ से, क्योंकि मारुति कार समझ आती है रिलायबल, उसमें ऑफ रोड की कैपेबिलिटी हो, साथ में सुजुकी की जो कार है उसकी बिल्ड अच्छी है, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, एक DNA हो मारुति का जो जिप्सी से इंस्पायर है, तो वो आपको जिम्नी में अवेलेबल होगा। एक्सपेक्टेड है कि भैया इस कार में आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे मैनुअल में, 2 वेरिएंट्स मिलेंगे ऑटोमेटिक में। 11 से 14 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक शोरूम, जो आप जिम्नी को अपने रडार पे रख सकते हैं। क्योंकि तीसरी कार जो है वो है महिंद्रा, एंड महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा थार के 4-डोर वर्जन को भी नियर फ्यूचर में लेके आएगा। अभी जान लीजिए जिम्नी वुड बी कमिंग इन अराउंड मई, और महिंद्रा थार का जो 4-डोर वर्जन होगा दैट्स लाइकली टू बी लॉन्च इन अराउंड सितंबर। तो थार आपकी निगाह पे उस टाइम में हो सकती है। इंजन सेम होगा, जैसे थार 2-व्हील ड्राइव में आ रही है, पहले 4x4 में आ रही थी, तो वो जो 4-डोर वर्जन होगा वो आपको दोनों में मिलेगा, 2-व्हील ड्राइव में और 4x4 के अंदर। तो जो लोग चाहते हैं भैया रेयर में आसानी से घुसना जिम्नी की, क्योंकि प्राइसिंग स्टीप होगी, तो आई थिंक थार का एक अट्रैक्शन अलग है, तो वो आपको मिल सकती है। जो अगली कार होगी साहब, वो होगी होंडा कार्स इंडिया की तरफ से। होंडा कार्स इंडिया एक मिड साइज SUV लेके आने वाली है, एंड दैट मिड SUV इज गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट होंडा क्रेटा, अगेंस्ट अपकमिंग या सेल्टॉस, अगेंस्ट मैनी अदर कार्स, जैसे महिंद्रा की XUV700 को भी एक तरह से कम्पीट करेगी इन टर्म्स प्राइस, और दो कार की जो लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं होगी। और होंडा कार्स इंडिया की इस SUV के अंदर जान लीजिए खास बात होगी हाइब्रिड का ऑप्शन, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय कंज्यूमर्स हाइब्रिड पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हाइब्रिड का आपको ऑप्शन मिलेगा। होंडा की स्मार्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से अडास कहते हैं, वो आपको अवेलेबल होगा। और ये होंडा की SUV जून 2023 में इंट्रोड्यूस होगी। तो क्या इस SUV पे आप अपनी निगाह रखते हैं? आप बताइए, प्राइसिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 12 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए के बीच में। हाइब्रिड कार सस्ती नहीं होती है, बिकॉज गवर्नमेंट उतना कोई उसमें टैक्स रिबेट्स नहीं दे रही है। दे आर ऑलमोस्ट चार्जिंग 43% GST प्लस कंपनसेशन सेस एज अगेंस्ट EV का, जिसमें 5% लगता है GST, उसमें कोई सेस नहीं होता है। और इसी कारण है कि ये हाइब्रिड कार थोड़ी सी आपको महंगी पड़ती है। उम्मीद करता गवर्नमेंट अगर इसमें भी थोड़ा सा सेंसिटाइज होती कि भैया जमाना हाइब्रिड का भी है, उतना ही बढ़िया, ज़्यादा अच्छी लोअर रनिंग कॉस्ट आती है, अगर उस पर रिबेट्स देती दैट वुड हैव मेड सेंस। लेकिन इसी प्राइस की वजह से आपको ये कार मिलेगी। जो अगली कार से बॉस, वो है VW इंडिया की तरफ से। VW इंडिया वर्टुस और टाइगुन के मिड वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन लेके आएगा। जो अगली कार है साहब, वो है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर फुल ऑफ एक्शन है, एंड दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन नेक्सॉन फेसलिफ्ट एडिशन। नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर 3 खास बात होगी। एक तो जो उसका टचस्क्रीन का इंटरफेस है वो अब तक थोड़ा लैगी माना जाता है, तो वो टचस्क्रीन इंटरफेस चेंज होगा विद द न्यू 10.25 इंच टचस्क्रीन, जो अभी हैरियर के रेड एडिशन में देखा जा रहा है, सफारी के रेड एडिशन में देखा जा रहा है, नेक्सॉन EV Max के रेड एडिशन में देखा जा रहा है, वही आपको नया टचस्क्रीन मिलेगा। पावर क्षमता पहले से और जंप हो जाएगी, और उम्मीद कर रहे हैं नेक्सॉन में अब DCA ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको अवेलेबल होगा एज अगेंस्ट द AMT पेट्रोल, एंड दैट्स गोइंग टू ब्रिंग नेक्सॉन एट पार विद द बेस्ट। जो अगली कार है बॉस, वो है किया मोटर्स की तरफ से। किया मोटर्स सेल्टॉस के फेसलिफ्ट एडिशन को लॉन्च करेगा, एंड सेल्टॉस फेसलिफ्ट टू लॉन्च इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब सेल्टॉस फेसलिफ्ट में खास बात जान लीजिए, एक तो इस कार में पैनोरामिक सनरूफ आने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, किया ने अभी जो उनका 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो 1500 सीसी का
टर्बो पेट्रोल इंजन जो वरना में आता है, मेकिंग इट वेरी पावरफुल कार, वो आपको सेल्टॉस में अवेलेबल होगा। और आपको सेल्टॉस में किया इंडिया एडास के फीचर्स भी लेके आएगी, ऑटोनोमस फीचर्स, जिससे आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होगा। 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन, हिल लॉन्च असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सब आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे इन द ऑल न्यू किया सेल्टॉस विच इज ड्यू फॉर द लॉन्च इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो अगली कार है बॉस, वो होगी मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को रीबैच करके अपने काउंटर से बेचेगा, तो वो रीबैच वर्जन कह सकते हैं जिन लोगों की इनोवा हाईक्रॉस की मंथ्स लॉन्ग वेटिंग चल रही है। जब भी मारुति अनाउंस करता है, बॉस बुकिंग लगा दीजिए, आपको मारुति की कार थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, वो आप जान लीजिए। तो मारुति की ये रीबैच वर्जन ऑफ इनोवा हाईक्रॉस इज ड्यू इन द लॉन्च इन द एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त। उसके बाद बॉस हुंडई इंडिया एक्सटर को लेके आएगी, हालांकि एक्सटर को पहले अनवील कर दिया जाएगा लेकिन लॉन्च इसकी होगी अगस्त के अंदर। Exter would be the subcompact SUV from Hyundai India, which is going to be almost 3.85 meter longer. Venue से छोटी होगी, 1200 cc का पेट्रोल इंजन आएगा, साथ में 1 लीटर का टर्बो पाच पेट्रोल इंजन भी आपको अवेलेबल होगा। और Exter में भी लोगों को लाइफस्टाइल वाले फीचर्स मिलेंगे जो Venue में मिल रहे हैं काफी हद तक, एट अ लेसर प्राइस पॉइंट। तो उम्मीद कर रहे हैं एक्स्ट्रा की जो कीमत होगी वो स्टार्ट होगी 7 लाख रुपीज से, कैन गो अप टू 11 लाख रुपीज फॉर द टॉप एंड मॉडल वेरिएंट। 1200 cc का पेट्रोल इंजन आएगा मैनुअल में, AMT में, और 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको अवेलेबल होगा मैनुअल ट्रांसमिशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट Hyundai एक्स्ट्रा। और फिर टाटा मोटर्स पी पंच को CNG वर्जन में लेके आएगा। पंच की बात है कि ये कार में 5-star बिल्ड क्वालिटी है, पंच की बूट स्पेस भी रीजनेबल है, इसमें भी आपको ड्यूअल CNG सिलेंडर सेटअप मिलेगा पंच के अंदर। और पंच उन लोगों को इंस्पायर करेगी जो लोग चाहते हैं एक कार जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी इमैक्युलेट हो, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो, तो उस केस में टाटा मोटर्स की पंच आप लोग देख सकते हैं। और सर सिट्रो C3 एयरक्रॉस को लेके आएगा, हालांकि अनवील पहले कर दी है, वो भी अगस्त के आसपास इस कार को लॉन्च करेगा, हालांकि मेरी ज्यादा उम्मीद नहीं है बेसिस द कॉस्ट कटिंग जो सिट्रो अपनी कार्स में कर रहा है, और मुझे उसके लिए वो कार ज्यादा समझ में नहीं आती है। इंडियन कस्टमर्स नाउ नीड मोर क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स रादर देन द कॉस्ट कटिंग। आप प्राइसिंग को बड़े ही बढ़ाइए लेकिन कॉस्ट कटिंग ना करिए, आई थिंक वो एक बेसिक मंत्र है फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स। तो ये एक बात थी फॉर द अपकमिंग कार्स विच आर ड्यू फॉर द लॉन्च इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। वीडियो कैसा लगा, समझ में आता है तो अपवोट करिए। कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए www.mycarhelpline.com, कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं, गेट 1-to-1 एक्सपर्ट ओपिनियन। होप यू लाइक इन दिस वीडियो, इफ इन केस यस, अपवोट इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माइकर हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।